अभय और लीजा को फिर से खुश देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है जी। आखिर ये बात भी ठीक है, पति पत्नी एक दूसरे से कब तक खींचे खींचे रह सकते हैं? देर से ही सही, लीजा में समझ आ ही गई। क्यों? हाँ तुम बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हो। क्या ठीक कह रही हूँ मैं? मैं बातें किए जा रही हूँ और आप अखबार लेकर बैठ गए। मैं नाश्ता लगा देती हूँ, चलिए आइए। एक काम करो, तुम आगे चलो, मैं पीछे से आता हूँ। दोबारा अखबार लेके नहीं बैठिएगा? नहीं। गुड मॉर्निंग रणबीर बाबू। क्या बात है बनवारी जी, सुबह सुबह अंग्रेजी में। तबीयत तो ठीक है आपकी? अरे कहाँ तबीयत ठीक है रणवीर बाबू, मेरे मुंह से सो सुसरी अंग्रेजी तभी निकले जब माथे पे कोई बड़ी भारी परेशानी आ जाए। अरे बनवारी जी, अब कौन सी परेशानी है आपको परेशान कर रही है? सब कुशल मंगल तो है ना? अरे क्या बात अन्य कर रहे हो साहब आप, है कहाँ कुशल मंगल है? कछु ना है। अरे साहब वो रेखा देवी घर में लौट आई है तो कुशल मंगल कहाँ रह सके साहब, है कि नहीं? अब देखो वो रेखा देवी को तो लाजो बिटिया और उदय बाबू को साथ अच्छा ही ना लगे साहब। अरे बनवारी जी, उदय और लाजवंत एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं, अब कोई चाहकर भी उनके बीच में नहीं आ सकता, रेखा भी नहीं। उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है और हम भी यही चाहते थे। रणवीर बाबू हमारे चाहे से कहा हुए साहब, वो रेखा देवी तो ना चाहे। यही बात मेरे लिए और आपके लिए भी बड़ी भारी चिंता को विषय है साहब, हाँ है कि नहीं? एक बात याद रखो रणवीर बाबू, चोट खाई औरत है, जरूर कछून कछू चाल चल रही होगी। हाँ अरे कोई चाल नहीं चलेगी बनवारी जी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं। क्या? क्योंकि रेखा का खेल खत्म हो चुका है, अब उदय लाजवंती हमेशा हमेशा के लिए खुश रहेंगे, हमेशा।